दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष एक ऐसा कार्यक्रम जो कि हम एक अच्छा इंसान बनाता है, इंसानियत के सूत्र देता है, मानवता के सूत्र देता है। हम परिवार में किस तरीके से अच्छे रहें, समाज के अंदर कैसे अच्छे रहें, एक ऐसे कैसे अच्छे इंसान बने, और हम परोपकार की भावना कैसे करें, और जीवन में हमारे विधायक भाव आए, हमारे नकारात्मक भाव तिरोहित हो, उन सब का सूत्र बताने वाला उन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। उन कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं, और हर विषय के अंदर हमारा जो है वो शोध परक कार्य होता है। हर विषय को पहले अच्छी तरह से मनन किया जाता है, और उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि वो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर रुचि के व्यक्ति के लिए, हर मेंटल स्टेटस के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो, शिक्षाप्रद हो, ताकि वह उसको सुनने को बाध्य हो जाए और उस एपिसोड को सुन करके वह कुछ न कुछ टिप्स प्राप्त करे, कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करे। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय है, आज का हमारा विषय है चंचलता का कारण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। चंचलता शब्द एक ऐसा होता है कि ये करंट पैदा कर देता है। जब पानी में करंट चलता है, और मान लीजिए उस पानी को किसी ने टच कर लिया, किसी प्राणी ने, जीवित ने उसको टच कर लिया, तो वो जलने लग जाता, उसको करंट आ जाता है, और उसके साथ साथ के अंदर वो पानी के अंदर करंट चलने से उसमें भी वाइब्रेशंस होती है, टर्बुलेंस होती है। आपने कभी देखा होगा, तो हम पानी को भगोले में उबालते हैं, तो जब उबलने लगता है तो छोटे छोटे परमाणु जो है वो चंचल हो उठते हैं। ये चंचलता विषय ये है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो हड़बड़ाहट पैदा कर देते हैं। व्यक्ति चंचलता दो तरह की होती है, एक उपयोगी चंचलता। उपयोगी चंचलता क्या होती है कि वक्त पड़े जब आपको अच्छी प्रस्तुति देनी चाहिए, और वक्त पड़े तो शरीर को चंचल का मतलब योग्य बना करके कुछ सेवा का कार्य करें, और जब काम पड़े तो भीतर सकारात्मक सोच की चंचलता लाएं, ये तो अच्छा है। लेकिन दूसरे तरह की चंचलता वो अधोगति को जाती है। आज मैं अच्छी चंचलता की बात न करके जो हमारी फालतू की चंचलता है, जो चंचलता में अधोगति के अंदर ले जाती है, उस चंचलता को कैसे दूर किया जाए, और चंचलता आने पर हम किस तरीके से स्टेबल रह सकते हैं, उसके बारे में आपको सूत्र बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि चंचलता तीन चीजों से होती है, मन की चंचलता, वचन की चंचलता और काया की चंचलता। मन की जब चंचलता होती है तो हमारा मन व्यग्र हो जाता है, हमारे मन के अंदर जो है विचारों का तांता लग जाता है, एक विचार गया नहीं उसके पहले दूसरा विचार, यानी कई साइड के अंदर विचार खड़े रहते हैं, और विचार का अंदर तांता होते होते हम इतने बोर हो जाते हैं, कई बार व्यक्ति तो पागल हो जाता है। ये हमारे मन की चंचलता है। वचन की चंचलता में व्यक्ति अगर गुस्से में आ जाता है, इतना बड़बड़ाता है, इतना बोलता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, शराब पी लेता है व्यक्ति तो इतना चंचल हो जाता है, उसको भाषा का ही ज्ञान नहीं है कि सामने मेरी बेटी है, कि मेरी माँ है, कि मेरी पत्नी है, कि सामने क्या है, वो सिर फोड़ लेता है, नाली में चला जाता है, नाली के अंदर उसको होश ही नहीं रहता है, वो मानव से दानव बन जाता है, पशु से भी वो गया बीता बन जाता है। ये हो गई हमारी वाणी की चंचलता, और इतना अपशब्द बोलता है, गालियां देता है, और किसी से तू तू मैं करता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ये सब वाणी की चंचलता है। और तीसरी शरीर की चंचलता होती है। शरीर की चंचलता में व्यक्ति किसी को थप्पड़ मार देता है, मर्डर कर देता है, कामुक हो जाता है, और ऐसे घृणित कार्य कर बैठते हैं, उसको नहीं करने चाहिए। आज देखिए जो रेप के केस हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी जिनको कि लोग भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो मठाधीश है, उनके पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और बड़े बड़े मठ चलाते हैं, लेकिन
उनके शरीर की चंचलता होने के कारण वो ऐसा अब्रह्मचारी का अनैतिक वातन रेप जिसको बोलते हैं वो कर देते हैं कि सारी कमाई पे पानी फेर देते हैं और लोग जो है उसके ऊपर थूकने लग जाते हैं, उसकी निंदा करने लग जाते हैं और वो भगवान तो दूर रहा, वो सभी का तिरस्कृत व्यक्ति हो जाता। और आजकल ऐसे बहुत से जो बाबा लोग हैं वो प्रकाश में आ रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये चंचलता है क्योंकि हमारे जीवन के सारे कार्य जो है ये मन वचन और काया से होते हैं। कहा भी गया है कि ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्वकृत कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये चंचलता कर्म ही लाते हैं। कैसे लाते हैं, मैं आपको गंगोत्री में ले जाना चाहता हूं कि गंगा जो हरिद्वार से, गंगा जो इलाहाबाद के पास में आती है और आगे जाके समुद्र के अंदर गिरती है, वो आती कहां से? वो गंगोत्री जो शिवजी की जटा है वहां से ये गंगा निकलती है। और भगीरथ नाम के ऋषि ने प्रार्थना करके शिवजी से कि आपकी इस जटा में जो गंगा है इसको धरा पर बहाओ और लोगों को तृप्त करो, पावन करो, उस भगीरथ परिश्रम कहा गया है, उस भगीरथ परिश्रम से। और शिवजी ने प्रसन्न होकर के हरिद्वार के पास में गंगा जो है उस गंगोत्री से निकल करके और हमारे तक पहुंचती है, समुद्र में जाके गिरती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो गंगोत्री हमारे जीवन की क्या है? पूरा शरीर है वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो प्रभु है, जो ईश्वर है, ये हमारा मंदिर है। शरीर एक मंदिर है क्योंकि उसके भीतर में परम प्रभु कृपालु मेरे शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है। अगर आप उसकी शरण में जाते हो तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। किसी माँ को, किसी देवता को, किसी को नमन करने की जरूरत नहीं, भीतर विराजमान है। अगर आप नमन भी करते हो तो इसकी साक्षी से करते हो, आप बोलते हो तो इसकी साक्षी से बोलते हो, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, बैठे हैं, इस भगवान विराजमान उसकी साक्षी से करते हैं। ये नहीं है तो हम जीरो हैं, ये हैं तो हम नंबर वन हैं, और ये नहीं है तो हम राम नाम सत्य है। तो इसीलिए वो गंगोत्री इस आत्मा के साथ में जो है कर्म रज जुड़ गई, अशुद्धि जुड़ गई, इसलिए आत्मा कैद हो गई। उसको हम कर्म कहते हैं, उसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, उसको कार्मण शरीर कहा जाता है, उसको लिंग शरीर कहा जाता है। और ये अनादि अनंत काल से इस आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह जुड़ा हुआ है ये अशुद्धि, इसी कारण से इस कारावास में है। वरना ये कारावास में रहनी नहीं चाहती, कोई भी पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहता है, हर व्यक्ति, हर पक्षी स्वच्छंद होकर के और आकाश के अंदर भ्रमण करना चाहता है। उसी तरह से हमारी जो शुद्ध आत्मा भगवान है, ये मजबूरी है उनकी के शरीर में रह रहे हैं, वो तो सिद्ध शिला में रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ अक्षय आनंद है। लेकिन इस शरीर में आने के बाद में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, हर संयोग के साथ वियोग है। और सुख दुख की ये परंपरा 84 लाख जीवा योनि बनी उसके अंदर भटकते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उसके साथ जो कार्मण शरीर है, पुण्य पाप है, जब वो उदय में आते हैं, उदय का आत्मा जब क्रिया रूप में परिणित होते हैं, उसका समय निश्चित होता है, उसके उदय में आते ही चंचलता प्रारंभ हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से कोई भी आपका पुण्य और पाप का कर्म उदय में आया तो उदय में आकर के इन दोनों के साथ में मिश्रण से जो है वो जब इसका इस पेरिफेरी को पार करता है, उसके बाद में उसका अध्यवसाय बनता है, उसका खुद का जो है एक ओरा बनता है। और उस अध्यवसाय में से होकर के वह जो है एक वाइब्रेशन के फॉर्म के अंदर हमारा जो 3 तरह के मन होते हैं जो हमारे शरीर के साथ काम करता है, चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है जिसमें रूपांतरण होता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जिसको तेजस शरीर कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये एक ब्रिज है हमारे चेतन मन के बीच में। अचेतन मन होता है जिसकी मैंने अभी बात की, कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी और लिंग शरीर, कर्म रज, राग द्वेष, ये जो है वो हमारा जो है वो अचेतन मन, इसमें
इसमें हमारी भावनाएं, जन्म जन्मांतर की भावनाएं दबी रहती है, उसका वेयर हाउस है, और जब ये खुलती है, निकलती है बाहर, तो वाइब्रेशंस जो है वो वाइब्रेशन कलरलेस होती है, लेकिन जो ही हमारे अवचेतन मन के साथ में जुड़ती है तो उसको कलर मिलता है। और कलर इस बात का परिचायक है कि भीतर से क्या आ रहा है, भीतर से कैसी चंचलता आ रही है, सात्विक चंचलता आ रही है या असात्विक चंचलता आ रही है। इसको छह भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, उसको लेशिया कहते हैं, प्रशस्त लेशिया और अप्रशस्त लेशिया। अगर भीतर से जो चंचलता हमारी आई है, अगर हमारे विचार बुरे हैं, अगर हमारे विचार नकारात्मक है, अगर हमारा पाप का कर्म उदय में आया है, तो हमारी अप्रशस्त लेशिया है कृष्ण नील का पोत। कृष्ण ये सारी जो है वो डार्क कलर की होती है, और वो कलर होता है ब्लंट कलर होता है, मतलब चमकीला नहीं होता है, तो काले कलर की होती है, उसको कहते हैं कृष्ण लेशिया। और काले कलर की गहरी लेशाएं होती है वो हिंसा के भाव पैदा करती है, यानी भीतर से हिंसा का भाव आता है, व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, व्यक्ति अपराधी बन जाता है, व्यक्ति लुटेरा बन जाता है, व्यक्ति डाकू बन जाता है, या वैसी प्रवृत्तियां करता है, जितने जितने समय का उदय है उतने समय तक रहता है। और दूसरी होता है कृष्ण नील लेशिया होती है, वो ब्लू कलर की होती है, वो ब्लू कलर की नील लेशिया जब उदय में आती है तो व्यक्ति क्या करता है, झूठा माप तोल करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, कपट करता है, दुर्व्यवहार करता है। और तीसरी जब लेशिया होती है वो एक से एक हल्की लेशिया होती है, कापोत लेशिया, कबूतर रंग की लेशिया होती है, तो वो लेशिया रखने वाला व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा, और उसके अंदर प्रमोद भावना नहीं होगी, दूसरों का विध्वंस करना चाहेगा, वो कर नहीं सकेगा लेकिन मन में भावना बुरी रखेगा। उसके विपरीत अगर हमारे सकारात्मक सोच आ रही है, अगर हमारा पुण्य का जो है उदय आ रहा है, तो तेज तो हमारा जो है तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया आएगी, तेजो लेशिया को कलर मिलेगा, वो उगता हुआ सूर्य की जो लालिमा पिंक कलर की होती है वो तेजो लेशिया कहलाती है। उस तेजो लेशिया का जो कलर उसको मिलता है वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति में अपूर्व शांति होगी, मेंटल पीस की अवस्था में चला जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब अच्छा अच्छा महसूस होगा, आनंद एकदम भीतर शांति शांति हो जाएगी, कोई कलह की भावना नहीं होगी। और पद्मलेशिया जो हल्दी का कलर होता है, और उस हल्दी का कलर गहरे हल्दी का चमकता हुआ कलर की जब लेशिया भीतर हमारे अवचेतन मन के पर हमारी सबकॉन्शियस माइंड के साथ में हमारे तेजो शरीर के साथ में मिलती है, तो वो जो है वो विचार कैसा लाएगी, कैसी चंचलता लाएगी कि हमारे में आनंद की अनुभूति होगी, ये सकारात्मक हमारी चंचलता है। और तीसरा हमारी वाइट लेशिया जो आएगी वो होगी शुक्ल लेशिया, वो लेशिया परमार्थ की लेशिया है, वो लेशिया अनंत सुख की लेशिया है, आनंद की लेशिया है, सबका हित चिंतन करने वाली लेशिया है, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व के जीवों को मोक्ष मिले, पूरे विश्व के जीवों को आनंद मिले, शांति मिले, सबके लिए मंगल भावना करने वाली लेशिया है। वो जाकर के हमारे तेज शरीर के द्वारा वो लेशिया होकर के और वो हमारा भाव तंत्र बनता है, और भाव तंत्र जो है वो हमारी लेशिया कन्वर्ट होके लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे के अंदर जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है शरीर के अंदर जो कि ब्लड के साथ में जुड़ी होती है, उनका संबंध कोई भी आपस में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हार्मोन्स छोड़ती है और हार्मोन्स हमारे ब्लड में इकट्ठे हो जाते हैं और हमें चंचल बना देते हैं। जैसी गंगोत्री से चंचलता आती है वैसी चंचल बना देती है, और हमारा चित्त चंचल हो जाता है, हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारी इंद्रियां चंचल हो जाता है, हमारा मन वचन काया चंचल हो जाता है, और हम कहते हैं कि मन चंचल हो रहा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मन तो बेचारा जो है वो नौकर है, मन मालिक नहीं है, वो मालिक तो चित्त है जो कि आत्मा की जो है एक शक्ति है, और वो चंचलता भीतर से आकर के चित्त को विक्षिप्त कर रही है, और चित्त विक्षिप्त होता है तो उसका सेवक
मन विक्षिप्त होता है। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। जब ये चंचलता आती है तो हमारे विचारों का तांता लगा रहता है, विचार बंद ही नहीं होते, और वो चंचलता जब आती है तो हमारी वाणी की चंचलता हो जाती है, शरीर की चंचलता हो जाती है, और हम कई जो बुरी चंचलता के बुरे कार्य करने बैठ जाते हैं। अच्छी चंचलता के मामले में हम स्थिर रहते हैं और हम अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाते हैं। तो भाइयों बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चंचलता के कारण हैं, इन कारणों का निवारण भी बताऊँगा। क्यों हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम थ्योरी और एक्शन में बिलीव करता है, तभी ये होलिस्टिक कार्यक्रम कहा जाता है। ऐसा नहीं है पुनरुत्थान कार्यक्रम में कि आपको सिद्धांत बता दिया गया लेकिन प्रैक्टिकलिटी ना हो, उस सिद्धांत को कार्य रूप में कैसे परिणित करें तो अधूरा होगा। चंचलता के कारणों की मैंने व्यवस्था की, अब मन की चंचलता को शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें ध्यान में जाना चाहिए। ध्यान में हम कैसे जाना चाहिए वो बताना चाहता हूँ मैं, कि जो आपके विचार आ रहे हैं आप उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहिए। आप चिंतन कीजिए कि जो विचार आ रहा है वो भुगतान देने के लिए विचार आ रहा है। मन वचन काया रूपी जो शरीर है भुगतान के लिए प्राप्त होता है और सब विचारों से प्राप्त हो रहा है। आप उस विचारों के साथ उलझो मत, विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ जुड़ो मत। आप तो ये समझो कि विचार जड़ है, विचार दृश्य है और मैं तो दृष्टा हूँ। मेरा जो लक्षण है वो जानने का है, देखना है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, शुद्ध आत्मा का लक्षण है जानने वाला, देखने वाला। और जो विचार आ रहे हैं उसके साथ जुड़िए मत, उसको बाईपास कीजिए, पूरे जीवन भर करिए। 24 आवर जीवन भर ऐसा कोई क्षण नहीं होता है जबकि आपके विचार नहीं आएंगे, क्योंकि आप जन्म जन्मांतर का चिट्ठा साथ में लेके आए हो, बहुत बड़ा अकाउंट लेके आए हो, और इस जन्म में जो भुगतना होगा वो विचारों के द्वारा भुगतना होगा। तो मन की चंचलता को मिटाने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, उन विचारों को आंख बंद करके बाईपास कीजिए। आप जैसे कि सोचिए कि मैं तो थिएटर में बैठा हूँ, ये विचार है, ये थिएटर है, ये विचार जो है फिल्म है, मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ। ये पूरा जीवन 100 साल का, 80 साल का, 50 साल का, जिसका जितना जितना जीवन है वो जीवन एक फिल्म है। जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो पूरा ये जीवन 50 साल की फिल्म है। उसको फिल्म की तरह मानिए और वो विचार जो फिल्म है आप फिल्म के साथ जुड़िए मत। जब आप जुड़ गए चंचल हो जाओगे, जब आप जुड़ गए तो राग द्वेष हो जाएगा, ये अच्छा है ये बुरा है। जब ये तटस्थता नहीं रहेगी, जो ही जुड़ा हुआ नहीं और राग द्वेष पैदा हुआ नहीं, आपने चंचलता के बीज बो दिए, आपने कॉज डाल दिए, आपने कर्म बीज डाल दिए, वो कर्म बीज अगले जन्म में कर्म फल और कर्म परिणाम बन करके आएंगे, वो भुगतना पड़ेगा। तो आप उसके साथ जुड़िए मत, तो आप जो है आपकी मानसिक चंचलता दूर हो जाएगी। वचन की चंचलता के लिए मौन रहिए। देखिए मौन एक तपस्या है, मौन एक धर्म है, मौन एक आध्यात्म है, मौन भीतर जाने का द्वार है, मौन प्रकृति को निहारने का द्वार है, मौन सेल्फ रियलाइजेशन का प्रथम जो है वो पड़ाव है। अगर आप अपना परिचय करना चाहते हो तो मौन रह के अच्छा कर सकते हो। आप किसी भी हिल स्टेशन पर बैठ जाइए और मौन होकर के आप देखिए, निहारिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा प्रकृति को निहारिए। चारों तरफ ग्रीनरी है और दूसरा पक्षियों की चहचहाट है और नदी का जो कलकल बहना है, झरना कलकल बह रहा है और उसमें पशु पक्षी आनंद के साथ में स्नान कर रहे हैं और चारों तरफ शुद्ध ऑक्सीजन है, चारों तरफ प्रकृति की छटा को निहारिए। मौन होकर के निहारिए, आपको आत्मा की अनुभूति होगी, आपको रियलिटी की अनुभव होगी और आप सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर चले जाएं। मौन में इतनी ताकत है। देखिए
मौन की ताकत का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जो है आपको मारने के लिए आ गया, आपके साथ तू तू मैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ गया और वो बोलता ही जा रहा है, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ा रहा है, आप मौन रह गए, वो गालियाँ दे रहा है, उसकी सब गालियाँ वापस चली गई, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। आपकी मौन अगर आपकी टूट जाती वो एक्सेप्टेंस है, वो एक बोलता आप दो बोलते, वो दो बोलता आप चार बोलते, वो चार बोलता आप आठ बोलते, तू तू मैं खटपट 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 चलती रहती, चंचलता पैदा हो जाती वचन की। तो इसलिए मौन जो है वो इस वाक संयम है, मौन है वो हमारे वचन की चंचलता को रोकने की, वाणी की चंचलता को रोकने का एक उपाय है। काया की चंचलता, शरीर चंचल हो जाता है, कामुकता में कोई अच्छा रूप देखता है कामुकता में चला जाता है और मन में बुरे बुरे विचार लाता है, अब्रह्मचर्य का विचार लाता है और उसके साथ में शरीर की चंचलता और भी कई तरह की सैकड़ों तरह की चंचलता होती है। तो शरीर की चंचलता को रोकने के लिए आप कायोत्सर्ग कीजिए। काय प्लस उत्सर्ग का अर्थ यह है सबसे पहले श्वास को जो है आप शिथिल कर दीजिए, उसके बाद में शरीर को सुझाव दीजिए कि पूरा मेरा शरीर की एक एक कोशिका जो है वो शिथिल हो जाए, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई तरह का बोझ नहीं, पूरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है। जितना जितना हम कायोत्सर्ग करेंगे, काया में रहते हुए काया का उत्सर्ग करेंगे, हल्कापन महसूस करेंगे तो शरीर की चंचलता मिट जाएगी और उसमें आत्मा का निवास प्रारंभ हो जाएगा। जितनी जितनी हमारी चंचलता ये सब राग द्वेष पैदा करती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छे अच्छे एपिसोड देता है, उच्च श्रेणी के उच्च कोटि के एपिसोड्स देता है, हर विषय बहुत सुंदर चयनित किया जाता है, हर विषय में व्यक्ति का जीवन बदले, व्यक्ति को इंसानियत आए, व्यक्ति परोपकार करे और व्यक्ति आज की जितनी भी बुराइयां उसको छोड़े, क्योंकि हमारा उद्देश्य सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे भवंतु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो और आप खूब अपना जीवन का आनंद उठाते हुए दूसरे लोगों को सुख पहुंचाए, तभी आपको सुख मिलेगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना और आपको खूब खूब हमारा धन्यवाद।